क्या फॉर्च्यूनर के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं? और कौन सा बदतमीज ब्रांड आपको 20 लाख की गाड़ी 50 लाख में बेच रहा है? और क्या टाटा करू का क्रैश टेस्ट हो गया? और टाटा करू ने ही कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, जैसे कि आप लड़कियां सेट करते हो? और कैसे एक नाला सुपार का स्पाइडरमैन दिल्ली पुलिस के जाल में फंस गया? और कौन सा वो इंडियन ब्रांड है जो कि रेंज रोवर को भी फाड़ के रख देगा? ये सारी न्यूज आपको कौन बताएगा? कॉस मैं। सो महिंद्रा वालों ने भी अपने ऑफिशियल चैनल पर अपनी थार रॉक्स की नई वीडियो डाल दी है, फाइब्र थार की। और भाई यार वहां पर गाड़ी काफी ऐसे मस्त लग रही है, और गाना यार काफी सिचुएशन के साथ से मैच कर रहा है। इंतहा हो गई मेरे यार की, मतलब हाँ इंतहा तो ही गई भाई, मतलब इतना सारा वेट तो मुझे नहीं लगता सब किसी ब्रांड में कराया होगा। 4 या 5 साल से गाड़ी लगातार टेस्ट हो रही है, लेकिन अब जाकर ये लॉन्च होने को आई है। यहाँ पर आप इसकी कुछ शॉर्ट्स देख सकती हो, ऐसे फ्रंट में ऐसी शेप के ऐसे एलईडी मिल रही है। दोज आर रियली लुकिंग फकिंग वेल एंड फकिंग अमेजिंग। और यहाँ से आप इसका ऐसे पूरा व्यू देख सकती हो, काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। ऐसे पूरी लंबी सी जीप रैंगलर वाली फीलिंग आ रही है इसको देखकर। सो फॉर्च्यूनर के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं इस इंडियन ब्रांड के कारण, मतलब 48% इंडियन ब्रांड के कारण। बिकॉज आप इसका इंटीरियर देखो, ये मैच क्लियर नहीं है, बट आई गारंटेड यू 70-80 लाख की गाड़ियों का भी इंटीरियर फेल हो जाएगा इसके सामने, जैसे कि अगली न्यूज की गाड़ी इंडिया की तरफ फेल होने वाली है। और सब कहते हैं साइज डजंट मैटर, बट इट्स मैटर ब्रो, बड़ा है तो बेटर है। ये फॉर्च्यूनर से भी बड़ी, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा पावर आपको देने वाली है, इनफैक्ट फॉर्च्यूनर से भी कम प्राइस में। सो द चॉइस इज योर्स माय फ्रेंड। और निसान वालों ने अपने एस्टेल नाम के कचड़े को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। कचड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निसान वालों ने उसके पीछे कचड़े वाला दिमाग लगाया है। बाहर ये गाड़ी 20-25 लाख में मिलती है, और इंडिया के अंदर ये लोग सीबी इंपोर्ट कर रहे हैं इसको, जिसके बाद ये 50 लाख की पड़ रही है हमें। सीरियसली 20 लाख की गाड़ी 50 लाख में, मतलब जरूरत ही क्या है, लोकली असेंबल करो, 25 लाख के अंदर ही आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि 25 लाख के अंदर ये बेस्ट कार है। बट राइट नाउ सफारी, हेक्टर, हाई क्रॉस इससे 10 गुना ज्यादा बेस्ट है, मत लेना इसको। और भाई क्या टाटा करू का क्रैश टेस्ट हो चुका है? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा हो चुका है, और एक महीने के अंदर भारत एनसीएपी में इसकी ऑफिशियल वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन क्रैश टेस्ट हो या ना हो, 5 स्टार तो इसको लाने ही लाने हैं। बड़ी बात यह है कि टाटा वालों ने कर्व के साथ हिमालय संधाकपुर में 11,000 प्लस की पहाड़ी पर चढ़ के दिखा दिया। आप मान सकते हो किसने एक कांड कर दिया वहां पर, जैसे कि नेक्स्ट वाली न्यूज में स्पाइडरमैन ने कांड कर दिया। और अगर आपको टाटा करू की इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी जर्नी को देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करो, वहां पर आपको दिखेगा कि करू को वहां पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कैसा कुछ हुआ, काफी इंटरेस्टिंग है। और भाई एक बंदा घर पर बैठ के स्पाइडरमैन की मूवी देख रहा था, और भाई थोड़ा ज्यादा ही भावनाओं में बह गया। और फिर क्या, भाई सामने मंगाए फ्लिपकार्ट से सस्ता वाला 420 रुपए का स्पाइडरमैन सूट, एंड पहन के चढ़ गए स्कॉर्पियो एन के बोनट के ऊपर दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन दुनिया क्या, यहाँ पर छपरी खुद को भी नहीं बचा पाया, जाल फेंकने वाला स्पाइडरमैन खुद फंस गया दिल्ली पुलिस के जाल में। और अगर बात करें उस इंडियन ब्रांड की, उस गाड़ी की जो कि रेंज रोवर से भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि और कोई नहीं दी ऑली अप महिंद्रा XUV 9 XO ही है, या फिर 900 भी आप कह सकते हो। इसका इंटीरियर लीक हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकती हो, जो कि दोज आर लुकिंग फकिंग ऑसम। और लुक वाइज नहीं, पावर वाइज भी रेंज रोवर विलार से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। रेंज रोवर विलार 246 BHP, महिंद्रा XUV 900 335 BHP आपको 40 लाख रुपए से भी कम प्राइस में मिल रही है। और क्या चाहिए, यही चाहिए, एंड एक और चीज चाहिए, आपका प्यार, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर।